अस्सलामु अलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको शिमवारी कढ़ाई बनाना तरीका सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये कढ़ाई होती है। उसके लिए जिन अस्सा की ज़रूरत है, मैंने 1 kg के करीब मैंने चिकन लिया है। इसको मैंने कढ़ाई वाली बोटी बनवा ली है। मैंने सारे गोश्त को, 1 kg के करीब गोश्त है, इसको मैंने कढ़ाई वाली बोटी बना ली है। 1 कप हम ऑयल का लेंगे। 2 अदद मैंने टमाटर लिए, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के लिए, इसको मैंने स्लाइस में काट लिए। 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर है। 2 teaspoon अदरक का पेस्ट है, मोटा मोटा मैंने पीसा अदरक का पेस्ट। और 4 teaspoon के करीब मैंने, 4 teaspoon के करीब ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया, ये भी मोटा मोटा ही है। गार्निश के लिए मैंने अदरक लिया, 1 inch लिया था अदरक, मैंने इसको बारीक स्लाइस में काट लिया है। 1 teaspoon मैंने ज़ीरा लिया है भुना हुआ, ये 1 teaspoon काली मिर्च पाउडर है। 1/2 गड्ढी हरे धनिए की है, 4 अदद हरी मिर्चें लिए मैंने। 1 teaspoon नमक है, 1 teaspoon हल्दी है, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर है, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 teaspoon भुना हुआ धनिया और कुटा हुआ है। शुरू करते हैं, ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके को नोट करें प्लीज़। मूवी को पूरा देखें इसको कि मैं क्या बना रही हूँ। आज हम कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई ही में बनाएंगे। कढ़ाई जाहिर सी बात है, ये आज मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर और इसकी मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो की है। अब मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल का शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप मैंने ऑयल का शामिल कर दिया इसमें। ये देखें प्याज हमारा, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं प्याज जो मैंने काट के स्लाइस में रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें और अल्लाह पाक का नाम लेते हुए बनाएं खाना, तो खाने में बहुत ज़्यादा लज्जत भी आएगी और मज़ेदार भी बनेगा। सबसे पहले मूवी देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। ये जब मैं स्कूल के ज़माने में हम लोगों की फ्रेंड्स में पार्टी वगैरह होती थी तो हम लोग कॉलेज के ज़माने में मैं फ़ौरन खाना बना के अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए लेके जाती थी, फटाफट से बना लेती थी और मैं ले जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, बैठ के शेयर करते थे, हम लोग खाते थे और बहुत ही मज़ा आता था। बिल्कुल उसी तरह की आज मैं कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, तो आज मुझे अपनी सब फ्रेंड्स याद आई हैं। सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड्स मेरे देख रही हैं चैनल मेरा और उनको अस्सलामुअलैकुम। देखिए प्याज जो है हमारा लाइट सा ब्राउन हो रहा है, लाइट ब्राउन हो गया है प्याज। अभी हम थोड़ा सा इसको और ब्राउन करेंगे, फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। देखिए लाइट सा ब्राउन करना है हमने। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये कढ़ाई है। हम गरम गरम नान के साथ इसको खाते थे सब फ्रेंड्स बैठ के और बहुत ही मज़ा आता था। ब्रेक टाइम होता था या हम लोग स्कूल में पार्टी वगैरह करते थे, टीचरों के साथ भी हम लोग करते थे, तो उसमें भी मैं बना के लेके जाती थी। तो इंशाल्लाह सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए अब मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया। देखिए इस तरह ब्राउन रखना है प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि जल जाए प्याज। ये लहसुन का पेस्ट भी मैंने जो रखा था वो मैंने मोटा मोटा ही कूटा है। इसको मैंने बिल्कुल भी ब्लेंड में नहीं किया, इसको मोटा मोटा ही रखना है। अब हमने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करा है। अदरक का भी मैंने मोटा मोटा कुटा हुआ रखा है, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। इतना नाइस सा कलर आया है, इसकी इतनी प्यारी स्मेल आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू है। और इसके अंदर भुना हुआ जीरा जाएगा, हल्दी जाएगी, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया पाउडर, ये भी मैंने मोटा मोटा ही कूटा है घर पे। इसकी मैंने आपको बताई थी, इसकी पहले मैंने रेसिपी दी हुई है। ये कश्मीरी लाल मिर्च,
नमक शामिल होगा। ये हमने शामिल कर लिया। लहसुन अदरक हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब ये चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चिकन मैंने शामिल कर दिया इसमें। अब चिकन को हमने अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ भूनना है। बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। देखिए चिकन अच्छे तरीके से मसाले के साथ हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाह। और टमाटर को भी इसी तरह मिक्स करेंगे, चिकन के साथ भून लेंगे अच्छे तरीके से। ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, जो हमने धनिया पाउडर डाला था कूटा हुआ, उसकी बहुत ही प्यारी जीरे की और धनिए की खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। इसमें मैंने टमाटर शामिल किए थे। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखूँगी ताकि चिकन अच्छे तरीके से हो जाए और टमाटर हमारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएँ। इतनी देर में फिर हम दूसरा काम कर लें, फिर इसमें मैं जो चीज़ें शामिल करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। चिकन हमारा कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। इसमें मैंने कोई भी पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाया। पात्रों के अंदर जो पानी होता है, ये देखिए मसाला कितना अच्छा, कितना नाइस कलर आया है इसका। गरम मसाला पाउडर जो मैंने 1 टीस्पून रखा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इतनी प्यारी नाइस कलर खुशबू आ रही है गर्म मसाले की भी। गरम मसाला और काली मिर्च हमेशा खाने में एंड में बिल्कुल एंड पे डालनी है, क्योंकि जो ये पहले डाल लेते हैं हम लोग काली मिर्च वगैरह, तो उसका रंगत जो होती है सालन की ब्लैक हो जाती है, वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। एंड पे डालें आप तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। मैं चावलों में भी जब मैं काली मिर्च डालती हूँ तो वो भी मैं एंड पे ही डालती हूँ। अभी हम इसको दम पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। ये गरम गरम नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बताई है मैंने आपको। मज़ेदार किस्म की कढ़ाई तैयार है। इसमें मैंने कट लगा के हरी मिर्चें शामिल की हैं, हरा धनिया और इसमें कटा हुआ अदरक डालेंगे स्लाइस में। मज़ेदार किस्म की कढ़ाई तैयार है, शनवारी कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम। इसके साथ गरम गरम नान, चपाती या घर की रोटी ज़रूर बना के खाएँ और ट्राई करें, मेरी रेसिपी बनाएँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।